पेन इज आवर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि ये हमारे साथ ज्यादातर रहता है। प्लेजर यानी सुख बहुत कम रहता है और पेन यानी दुख बहुत ज्यादा रहता है। वी आर बॉर्न विथ पेन, वी लिव विथ पेन थ्रू आउट द लाइफ एंड वी डाई विथ पेन। पेन हमारा सबसे बड़ा साथी है। आज हम लेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कुछ शब्द साइलेंट रहते हैं, तो वो किन-किन शब्दों के साथ, कौन-कौन से शब्द साइलेंट रहते हैं, किन कौन कौन से अक्षर के साथ साइलेंट रहते हैं, ये समझाना बेहद आवश्यक है और समझना बहुत आवश्यक है। साइलेंट लेटर्स इन वर्ड, वर्ड प्रोनाउंसिएशन, शब्द उच्चारण, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है उच्चारण। अभी आपको मैं बताऊंगा तो आप समझेंगे। अंग्रेजी भाषा में कुछ वर्ण मूक यानी साइलेंट होते हैं। एफ से पूर्व का बी साइलेंट, टी से पूर्व का बी साइलेंट रहता है। जैसे डाउट, डाउट में आप DOUBT, तो ये बी पहले है और टी बाद में है, बी साइलेंट रहेगा। डाउट अर्थ है संदेह, शंका। एन तथा एस के पूर्व आया पी साइलेंट रहता है। जैसे निमोनिया, निमोनिया एक बीमारी है, तो PNEUMONIA N तथा S से पूर्व आया, क्या P साइलेंट रहता है। P इसमें साइलेंट है, देख लीजिए, इसको निमोनिया बोलते हैं ना कि पिमोनिया। एक शब्द होता है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसका हिंदी अर्थ है मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान में भी पी साइलेंट रहता है जो एस से पहले आता है। एस अक्षर के पूर्व आया हुआ पी ये साइलेंट रहता है साइकोलॉजी वर्ड में भी। अब ये देखें, एम के पश्चात यदि एन आए तो साइलेंट रहेगा। जैसे ऑटम, AUTUMN, ऑटम, ऑटम माने पतझड़, और इसकी उच्चारण ऑटम है, तो क्या है कि ये एन साइलेंट रहेगा इसमें। अब अगला देखें, एम एफ के डी से पहले एल साइलेंट रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट। CALM, एल नहीं बोला जाएगा, काम बोला जाएगा इसको, शांत, जिसका अर्थ होता है शांत। हाफ, एल साइलेंट रहेगा HALF, क्योंकि इसके बाद एफ आया है। हाफ का अर्थ होता है आधा। टॉक, टॉक माने बातें करना, TALK, तो इसमें एल का उच्चारण नहीं होगा, ये के से पहले आया है। तो इस प्रकार से ये एम एफ के डी से पूर्व एल साइलेंट रहता है। एन से पूर्व के साइलेंट रहता है, जैसे उदाहरण के तौर पर KNOW में के जो है वो साइलेंट रहेगा, इसका उच्चारण होगा नो, नो माने जानना। एन से पूर्व जी साइलेंट रहता है, जैसे साइन में देखो, साइन में जी नहीं बोला जाएगा, उच्चारण नहीं होगा, इसका उच्चारण है साइन, इसका अर्थ होता है चिन्ह, साइन का अर्थ होता है चिन्ह। जी से पहले डी साइलेंट रहता है, जैसे कि बजट, बजट का अर्थ होता है अनुमान। WHO, हु, इसको हु कहते हैं, से प्रारंभ होने वाले शब्दों में W का उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे WHO, हु माने कौन, हु का उच्चारण में, WHO से प्रारंभ होने वाले में W का उच्चारण नहीं किया जाता, इसमें हा का उच्चारण आ गया। इसमें होल का उच्चारण है, WHOLE, होल माने संपूर्ण। होम
WHOM होम उच्चारण आ गया है, और WHOSE हुज का उच्चारण आ रहा है। तो देखें हुज माने होता है किसका या जिसका, किसको, हुम माने किसको, तो ये उच्चारण इसका बनेगा। यदि किसी शब्द के अंत में एस या एफ के बाद TEN आता है तो टी साइलेंट रहता है। जैसे लिसन बहुत प्रसिद्ध शब्द है, लिसन LISTEN लिसन ध्यान से सुनो। अगला है यदि किसी शब्द के अंत में GH अथवा GHT आता है तो GH साइलेंट रहता है। हाई में GH नहीं बोला जा रहा है, हाई, हाई का अर्थ होता है ऊंचा। बॉट, बॉट का अर्थ होता है खरीदा। ब्रॉट शब्द में भी ऐसा होता है लाया। कॉट शब्द में भी ऐसा ही होता है, तो कॉट माने पकड़ा। निम्न शब्दों में यू तथा डब्लू साइलेंट रहते हैं, जैसे गेस्ट, गेस्ट में यू साइलेंट है, गेस्ट अतिथि का अर्थ होता है। रैप, रैप में डब्लू साइलेंट, रैप लपेटना इसका अर्थ है। रॉन्ग, रॉन्ग माने गलत, डब्लू साइलेंट रहेगा इनमें और इसमें यू साइलेंट रहेगा गेस्ट में। शब्द की शुरुआत डब्लू एच से हो और डब्लू एच के बाद ए ई आई वाई हो तो डब्लू के बाद एच का उच्चारण नहीं होगा। व्हाट, देखें आप डब्ल्यू एच ए टी व्हाट बोलते हैं, भाट नहीं, व्हाट। व्हीट, व्हाट माने क्या, व्हीट माने गेहूं, डब्ल्यू एच ई ए टी व्हीट। वाई, डब्ल्यू एच वाई वाई, वाई माने क्यों, और व्हाइट डब्ल्यू एच आई टी ई व्हाइट, व्हाइट माने सफेद। जी एच के उपरांत टी हो तो जी एच का उच्चारण नहीं होगा। नाइट, एन आई जी एच टी नाइट, इसमें जी एच का उच्चारण नहीं है। एट, एट माने आठ, नाइट माने रात। ई आई जी एच टी एट माने आठ। तो इस प्रकार से ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि मैं पढ़ाता चला आया हूं वैसे मैंने इस चीज को लिया है। और यदि आपने मेरी वीडियोस को पसंद किया हो और मैं आगे भी वीडियो डालता रहूं तो कृपया सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।